हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की गई असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को डिटेल में सॉल्व करते हैं। हमारी फर्स्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम जो थी वो 2 base 9 नंबर का एडिशन था। तो इन एडिशन को या डिफरेंट बेस नंबर पे अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए पहला स्टेप है कि आप अपनी इक्विवेलेंट टेबल बनाएं, जिसमें फर्स्ट कॉलम आपका डेसिमल नंबर्स का होगा, सेकंड कॉलम आपका गिवन बेस नंबर्स का होगा। यहाँ पे हमें बेस 9 एडिशन करना है। नंबर विथ बेस 9 विल हैव में मैक्सिमम जो आपका डेसिमल नंबर होगा वो 8 होगा। तो आप 8+8+1 कैरी, आपको दो नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 17 तक का एडिशन आपका आ सकता है। तो आप 17-18 तक की अपनी डेसिमल जो काउंटिंग है उसे लिखिए और उसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग बेस 9 नंबर्स लिख लीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये टेबल बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये मेरा 0 से 18 का डेसिमल नंबर है और बेस 9, उसके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग बेस 9 नंबर लिख दिया गया है। 8 तक ये सिमिलर है, 9 जो डेसिमल में लिखा जाता है उसे बेस 9 में लिखा जाएगा 10, और उसके बाद काउंटिंग कैरी ऑन होगी और हर 9 नंबर के बाद हमारी जो सेकेंड LSB है वो इंक्रीमेंट होगी और ये 9 नंबर्स आपका 0 से लेके 8 तक चलेगा। अगर आपको बेस कन्वर्जन में दिक्कत आती है तो आप सिंपल सी ट्रिक के साथ ये एक कंटिन्यूटी में टेबल बना सकते हैं और अपने एडिशन को मिनिमम टाइम के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा पहला नंबर था 716, दूसरा नंबर था 348, ये दोनों बेस 9 नंबर है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप जिस चीज़ के यूज टू हैं कि आप इनिशियली आप डेसिमल एडिशन करते हैं, आप उसी तरीके से इन नंबर के साथ डेसिमल एडिशन करते जाइए बिना किसी चेंज के, बिना किसी पॉज के, और जो भी डेसिमल रिजल्ट आ रहा है अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद उसके सामने वाले नंबर को यहाँ लिख दीजिए। तो आपको जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो फाइनल रिजल्ट होगा आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ बेस 9 अर्थमेटिक ऑपरेशन, बेस 5, बेस 4, तो जो भी आप बेस ले रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तो 6+8 14, 14 डेसिमल 14 इज 1515 इज इन बेस 9, तो आप उसका 5 यहां लिखेंगे, 1 कैरी ओवर। ठीक है, 1+1+4 6 इज सिमिलर, तो सिंपली लिखिए 6। देन 7+3 10, 10 इज रिटन एज 11 इन बेस 9, सो राइट डाउन 11, और ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है एडिशन का दो नंबर इन बेस 9। आप किसी भी पॉइंट पे इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करके सिंपल डेसिमल एडिशन करिए, रिजल्ट को वापस बेस 9 में करिए, तो आपको यही रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमारी जो सेकेंड असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसमें हमने गिवन नंबर्स को बढ़ा दिया है, 4 base 4 नंबर्स हैं। तो पहले आप फर्स्ट होमवर्क करिए कि जो भी आपको नंबर्स गिवन है उसमें देखिए कि मैक्सिमम पॉसिबल एडिशन क्या आ सकता है। 3+2 5 3+2+1 6 तक के एडिशन डेसिमल एडिशन हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे 6-7 तक का अपना डेसिमल और बेस 4 टेबल बना लेंगे और उस टेबल के बाद हम सिंपल एडिशन कर लेंगे। ये नंबर 4 बेसिक एग्जांपल है तो हमने कुछ लिमिटेड नंबर लिए हैं। ये आपका अगर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो ये नंबर 5-6-7 नंबर्स भी आपको प्रॉब्लम में दिए जा सकते हैं। तो देर इज नो नीड टू चेंज एनी एल्गोरिदम, आप मैक्सिमम एडिशन पॉसिबल को फाइंड आउट करिए, वहां तक की डेसिमल नंबर्स की टेबल बनाइए, उसके सामने अपना बेस 4, बेस 5, बेस 7, बेस 3 जो भी है उसका आप नंबर टेबल लिखते जाइए और फास्ट स्पीड के साथ आप इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम में मैं बना रही हूँ बेस 4 इक्विवेलेंट टेबल। ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 2 गिवन द लास्ट असाइनमेंट। ओके, this will be base 4, very similar, in base 4 में आपके digits 3 के बाद ही change हो जाएंगे, तो वहां से आप थोड़ा सा
केयरफुली लिखना शुरू करिए ताकि आपकी तरफ से गलती ना हो. 0, 1, 2, 3, 4 को लिखेंगे 1, 0, 5 होगा 1, 1, 6 होगा 1, 2, 7 होगा 1, 3 और 8 को आप लिखेंगे 2, 0. LSB हर 4 पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट्स के बाद बदल रही है और MS कंटिन्यूसली बदल रही है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 और जो सेकेंड LSB है वो यहाँ पे 0 है, 4 डिजिट्स के बाद ये 1 हो गई, 4 डिजिट्स तक ये 2 चलेगी और इस तरह से प्रैक्टिस करके आप अपनी कंटिन्यूटी में टेबल बनाइए. ओके, हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो नंबर्स दिए गए हैं, 1 इज 3, 1, 2, सेकेंड नंबर इज 0, 2, 3 एंड थर्ड नंबर इज 1, 1, 0. दो नंबर के साथ एडिशन करने में एडिशन 4 से ज्यादा आता है तो उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करिए, कैरी ओवर आगे पास ऑन करिए, स्टूडेंट्स परफॉर्म कर पाते हैं. जैसे ही आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए हैं सम में, आप थोड़ा से देर के लिए रुकेंगे, पॉज होंगे और फिर अपने एडिशन को परफॉर्म करेंगे. इस मेथड के साथ कितना भी गिवन डिजिट्स हैं जिनका आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, आप बिना किसी कंफ्यूजन के कर पाएंगे. हम एडिशन करते हैं लास्ट डिजिट्स का, फर्स्ट LSB का, 3 + 2 = 5. 5 इज रिटन एज 1, 1. 1 आपने लिखा, 1 को आपने कैरी दे दिया है. ठीक है, देन 1 + 1 + 1 = 3. 3 इज सिमिलर टू 3 तो आपने इसको 3 लिख दिया है. फिर 3 + 2 = 5 + 1 = 6. 6 इज रिटन एज 12. तो ये आपके 3 नंबर्स जो बेस 4 में गिवन है उनका फाइनल एडिशन हो जाएगा. ठीक है, अगली जो हमारी प्रॉब्लम है जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन दिया है, इसमें हम ऐसे मान लेते हैं कि ये एक आपका एक स्टेप फॉरवर्ड है जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है और नंबर जो दिए गए हैं वो आपके बेस 5 के साथ है. तो पहला स्टेप, हमें 2, 3 = 6 तक के डिजिट्स हमें फेस करनी पड़ सकती है. तो 6 के आसपास ही हम अपनी बेस 5 टेबल बना लेते हैं. ओके, इस टेबल को रिपीटेडली बनाने पे आपकी अंडरस्टैंडिंग विद डिफरेंट बेस नंबर एज वेल एज आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो टू परफॉर्म ऑल दिस एडिशन मल्टीप्लीकेशन. बेस 5 में आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4. यहाँ पे चेंज आ जाएगा, ये 1, 0 हो जाएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 10 को आप लिखेंगे 2, 0. काउंटिंग चल रही है 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4. और ये जो आपकी सेकेंड LSB है ये पहले 5 नंबर तक 0, फिर 5 नंबर तक 1. ओके, अब हम करें इसको सॉल्व करें, 2, 1, 2 एंड 3, 3. जब आप मल्टीप्लिकेशन करें तो थोड़ी सी जगह छोड़ के इस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना शुरू करें ताकि आप यहाँ पे एडिशन के कैरी ओवर के लिए जगह रख सकें और कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, 2, 3 = 6 राइट, 1 एंड 1. 3, 1 = 3 एंड कैरी ओवर 1, 4. 4 विल बी रिटन एज 4. 3, 2 = 6 6 इज अगेन 1, 1. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट इज अगेन 3, सो वी कैन रिपीट दिस नंबर 1, 4, 1, 1. सेम ही मल्टीप्लीकेशन होगा. अब आप इनका बिल्कुल उसी तरीके से बेस 5 एडिशन करेंगे जो हम लास्ट प्रॉब्लम्स में करते आए हैं. मल्टीप्लिकेशन को भी आप डेसिमल में करते जाइए जिसके आप यूज टू हैं, नंबर्स इक्वलेंट जो है वो अलग लिखते जाइए और फाइनल जो आपका रिजल्ट आना है वो आपका इंस्टेंटली बेस 5 मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. ठीक है, 1 will be written as 1, 1 + 4 = 5, 5 को आप लिखेंगे 10, कैरी ओवर 1, 1
प्लस वन टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स को आप लिखेंगे इलेवन, दिस इज वन एंड दिस इज अगेन वन, वन प्लस वन प्लस वन दिस इज थ्री, ये आपका आ गया है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स गिवन इन बेस फाइव. ओके, समझ में आया? आपको सिंपली गिवन बेस की टेबल बनानी है, डेसिमल नंबर आप लिखते जाइए, जैसे आप सिंपल अपनी काउंटिंग में लिखते हैं, उसके सामने जो भी प्रॉब्लम में बेस है उसकी टेबल बनाइए. ये टेबल बनाना भी आपको बिना किसी प्रॉब्लम के इंस्टेंटली आने लगेगा. जब आप एक जैसे खूब सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, ये आपने इक्विवेलेंट बेस गिवन बेस की टेबल लिखी, अपना जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसके अर्थमेटिक ऑपरेशन को डेसिमल में परफॉर्म करते जाइए, और यहाँ पे आप जो रिजल्ट है उसको इक्विवेलेंट बेस में लिखते जाइए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके बिना किसी डाउट के हो जाएंगे. अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर फोर. ओके, प्रॉब्लम नंबर फोर जो है वो आपकी बेस सिक्स है, तो यहाँ पे जो टेबल बनेगी वो आपकी बेस सिक्स टेबल बनेगी. बेस सिक्स में आप जीरो से फाइव तक के डिजिट्स आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका जो काउंटिंग है वो चेंज हो जाएगी. और यहाँ पे हमारे पास नंबर कौन कौन से गिवन है, हमें थ्री फाइव या फिफ्टीन तक की जो नंबर कन्वर्जन है वो करना पड़ सकता है, तो हम वहां तक अपनी जो डेसिमल की टेबल है उसको एक्सटेंड करेंगे. पॉसिबल डेसिमल रिजल्ट को आप पहले टेंटेटिवली फाइंड कर लीजिए और फिर उसको आप यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए. तो हमारा क्या था, बेस सिक्स, वी आर डिस्कसिंग प्रॉब्लम नंबर फोर. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी असाइनमेंट की फोर्थ प्रॉब्लम है, उसमें हम बेस सिक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. यहाँ पे जो पॉसिबल डेसिमल रिजल्ट आ सकता है वो है थ्री फाइव या फिफ्टीन, तो हम अपनी जो डेसिमल नंबर की काउंटिंग लिखेंगे उसे फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन कैरी ओवर तक आप इसे लिखेंगे, और सामने वाले कॉलम में आप बेस सिक्स इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव. बी केयरफुल, सिक्स विल बी वन जीरो, वन टू, वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, देन अगेन बी केयरफुल, ट्वेल्व विल बी टू जीरो, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, ओके एंड टू फाइव. किसी भी इंस्टेंट पे रुकिए और चेक कीजिए कि क्या ये हमारी टेबल ठीक है. 21 बेस सिक्स में है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल निकाले, छ प्लस 12, दैट इज 13, दिस इज 13, टेबल इज ओके. अब हम परफॉर्म करते हैं बेस सिक्स मल्टीप्लीकेशन, जिसमें पहला नंबर है 13, सेकेंड नंबर है आपका 25. ओके, मल्टीप्लीकेशन, डू द वेरी सिमिलर डेसिमल मल्टीप्लीकेशन, 3, 5 जा 15, 15 इज 23, तीन आप लिख देंगे, दो आपका कैरी ओवर, ठीक है. 5, 1 जा 5 प्लस 2, दैट इज 7, 7 को आप लिखेंगे 1, 1, ओके. देन नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 2, 3 जा 6, 6 को आपने लिखना है 10, 0 कैरी ओवर 1, 2, 1 जा 2 एंड कैरी ओवर 1, 3, 3 इज 3. अब आप इनका सिंपल एडिशन करेंगे, ये एडिशन फिर बेस सिक्स में ही होगा, थ्री दिस इज वन एंड दिस इज फोर, तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया है बेस सिक्स मल्टीप्लीकेशन का. हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के. नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं विथ डिफरेंट बेस नंबर सिस्टम. थैंक यू.